आज मैं आपके साथ कुछ खास टिप्स शेयर करूंगी, वो भी माइक्रोवेव के। तो इसमें माइक्रोवेव में इंस्टेंटली आप क्या क्या बना सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले इसमें बनाऊंगी जेल कैंडी, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो इसके लिए हम रेडीमेड मिक्स जो जेली का पैकेट है उसे ले लेंगे। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चाय वाला कप होता है छोटा, उसमें 3 स्टैंडर्ड कप आप पानी ले लेंगे, 2nd कप एंड ये 3rd कप। इसे हमें माइक्रोवेव में बॉयल करना है। पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। 1 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। 1 मिनट बाद मैंने 30 सेकेंड टाइम और इंक्रीज किया है। पानी पूरी तरह बॉयल नहीं हुआ था, तो अब ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो चलिए इसमें हम बाकी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। इस पैकेट को मैंने ओपन कर लिया है। इसमें जो जेली क्रिस्टल्स है इसे हम बाहर कर लेंगे। तो ये मैंने इसे निकाल लिया। इसमें आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ पानी में ऐड करके इसे बना लेंगे तो ये प्रिपेयर हो जाता है। इसके साथ जो दूसरा पैकेट मिला है इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये हमने जो जेली के क्रिस्टल्स निकाले हैं इस गर्म पानी में मिक्स कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे सभी चीज़ों को। ये जब गर्म रहता है तो ये सेट नहीं होता है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो जल्दी से इसे मिक्स करेंगे और ये मिक्स हो गया है। अब आप चाहें तो इसे किसी भी मोल्ड में डाल के इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप सिंपल किसी भी ट्रे में आप इसे सेट कर लें। मैं यहाँ पर बेकिंग डिश ले रही हूँ इसे सेट करने के लिए। इस लिक्विड को पोर कर लूँगी, जल्दी से डालेंगे, बहुत जल्दी ये सेट होने लगता है। और अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे में ये अच्छे से जम जाएगा, फिर उसके बाद इसे हम कट करेंगे। चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। कट आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें कट कर सकते हैं, छोटे बड़े पीसेस जैसे भी आप कट करना चाहें। तो बहुत ही आसानी से कट रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे कट कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। और ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो इसमें चाहे आप पाउडर शुगर कोट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इस किसी भी डेजर्ट में इसे आप सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। और इस संतरे के छिलके को आप माइक्रोवेव में ड्राई कर सकते हैं। इसे आपको कैसे करना है चलिए आज मैं बता देती हूँ। इन संतरे के छिलके को इस प्लेट पर हम रख लेंगे ऐसे, इसे 30 सेकेंड माइक्रोवेव करेंगे। 30 सेकेंड बाद इसे हम चेक करेंगे तो ये हल्का गर्म रहेगा, आप देख सकते हैं। इसे ठंडा हो जाने देंगे, फिर अगेन हम इसे 30 सेकेंड माइक्रोवेव करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे 30 सेकेंड और माइक्रोवेव कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे एक बार और 30 सेकेंड माइक्रोवेव कर लिया है। अभी ये फिर से गर्म है तो इसे फिर ठंडा हो जाने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, इसे एक बार और 30 सेकेंड हम माइक्रोवेव करेंगे। कभी भी आप इसे माइक्रोवेव करें तो एक साथ ना करें, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड रुक रुक के इसे माइक्रोवेव करें। इससे क्या होगा, ये जलेगा नहीं और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। आप इस मूंग दाल के पापड़ को भी माइक्रोवेव के अंदर बिना ऑयल के इसे रोस्ट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम में। अक्सर हम सभी इसे खाने के साथ लेना पसंद करते हैं और इसे रोस्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे माइक्रोवेव के अंदर रोस्ट कर लेते हैं। इस मूंग दाल के पापड़ को रोस्ट करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी माइक्रोवेव सेफ एक मग ले लेंगे और ये जो हमारा मूंग दाल का पापड़ है इसे हम हल्का सा फोल्ड करके इस कप में ऐसे डाल देंगे। अब हम इस मग को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हम कुक कर लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्विक स्टार्ट बटन को यहाँ पर 3 बार प्रेस करना होगा, 1, 2, 3। और इसके प्रेस होते ही यहाँ पर कुकिंग जो है हमारी स्टार्ट होने लगेगी, यानी कि हमारे पापड़ यहाँ पर रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस बटन को प्रेस करते ही हमारा जो माइक्रोवेव है वो अपनी हाई पावर पर कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। आप चाहे तो इस पावर लेवल बटन को भी प्रेस करके यहाँ पर माइक्रोवेव मोड को यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे भी प्रोसेस आपको यहाँ पर इजी लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सबसे आसान तरीका आपको इस बटन को प्रेस करने के लिए बताया है, जो कि आपको 3 बार प्रेस करना है। फिर से हम इसे 3 बार प्रेस कर लेते हैं, जिसे प्रेस करते ही हमारी यहाँ पर कुकिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पापड़ यहाँ पर बिना ऑयल के अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। पापड़ बहुत ही इवनली कुक हुआ है, मैं आपको इसे चारों तरफ से रोटेट करके दिखाती हूँ। तो चलिए इसे अब हम प्लेट में निकाल कर इसे सर्व करते हैं।